नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मैटर्स पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 27 जून का करंट अफेयर। इसकी खास बात यह, हम करंट के साथ इसका स्टैटिक भी कवर करते जाएंगे, ठीक है। अगर आप बैंकिंग, SSC, रेलवे, टेट किसी की भी प्रिपरेशन करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक योजना से। ये योजना है गोधन न्याय योजना। इस योजना को शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। क्यों शुरू किया गया है, क्या इसका पर्पज़ है? इसका पर्पज़ है जो पशुपालन है उसको व्यावसायिक रूप से लाभदायक बनाना है, ठीक है। कॉमर्शियली बेनिफिशियल बनाना है इसको, ठीक है। तो सरकार ने डिसाइड किया है कि इनका जो हरेली पर्व होता है उस पर इसको शुरू किया जाएगा, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ का कुछ स्टैटिक पे बात करते हैं। यहाँ के CM हैं भूपेश बघेल और गवर्नर हैं यहाँ की अनसुईया उइके और यहाँ की कैपिटल है रायपुर, ठीक है। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं PR रामचंद्रन मेनन, ठीक है। अभी कुछ स्कीम देखते हैं इसकी जो हाल ही में लॉन्च की गई हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये सबसे पहला स्टेट है जिसमें 100% कचरे को डिस्पोज किया जाएगा। और बाकी कुछ ऐप हैं इसके, जैसे रोजगार संगिनी ऐप है, रक्षा सर्व ऐप है, स्पंदन योजना है, CG हार्ट योजना है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, और इंडिया का सबसे पहला गार्बेज कैफे भी छत्तीसगढ़ के अंदर ही बना है। और आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। जो छत्तीसगढ़ के पहले चीफ मिनिस्टर थे अजीत जोगी, उनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें कुछ और स्टैटिक देखते हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं, तो यहाँ पर नेशनल पार्क हैं इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगर वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे, जैसे बादलखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहाँ पे उदंती वाइल्ड बेफेलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और कुछ पावर प्लांट है यहाँ पे, थर्मल पावर प्लांट, सीपत थर्मल पावर प्लांट है, हसदेव थर्मल पावर प्लांट है और भिलाई एक्सप्रेशन पावर प्लांट, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक छत्तीसगढ़ का तो पूरा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या न्यूज़ है। आगे अभी नासा ने बोला है कि वो अपने हेडक्वार्टर का नाम अपनी एक इंजीनियर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम से रखेगा, ठीक है। जब भी उसका हेड ऑफिस का नाम होगा उसमें मैरी डब्ल्यू जैक्सन का नाम भी ऐड किया जाएगा, ठीक है। नासा का हेड ऑफिस है वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका के अंदर। और क्या आपको पता है डीसी का फुल फॉर्म क्या है? डीसी का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और नासा को 1958 में बनाया गया था। आपको पता होगा हमारा जो DRDO है उसे भी 1958 के अंदर ही बनाया गया था, 1958 में ही बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या न्यूज़ है। देखिए दोस्तों, आप बहुत कंजूसी करते हैं वीडियो को लाइक और शेयर करने में। अभी तो जो पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को वो तो सब्सक्राइब कर लें, बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो इसको लाइक करें और अपने किन्हीं दो फ्रेंडों और एक स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। चलिए आगे। अभी एक डे है MSME डे, जो कि 27 जून को मनाया जाता है। इसको 2017 से ही स्टार्ट किया गया था। इसको मनाता है यूनाइटेड नेशंस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस फैलाने के लिए कि जो हमारे स्मॉल बिजनेस हैं वो भी ग्लोबल इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है। इस बार का इसका थीम था COVID-19 द ग्रेट लॉकडाउन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्मॉल बिजनेस। अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो थीम ज़रूर याद करें, क्योंकि अभी बैंकिंग में जो जैसे शिक्षक दिवस कब मनाया जाता, महिला दिवस कब मनाया जाता, वो क्वेश्चन कई साल पहले आते थे, अब वो नहीं आते। अब बैंकिंग एग्जाम के अंदर थीम पूछता है या ऐसा ऐसा डे पूछेगा जो नॉर्मली पहले नहीं पूछता था, ठीक है ना। तो आप ये डे भी याद करें और थीम जरूर याद करें। चलिए आगे चलते हैं। अभी महाराष्ट्र सरकार ने
एक प्लान शुरू किया जिसका नाम है महापरवाना, ठीक है ना। महापरवाना में क्या होगा, कभी क्या होता है जैसे कोई नई इंडस्ट्री लगा जाती है तो उसमें कई सारे ऑफिस से क्लियरेंस लेना पड़ता है, क्लियरेंस लेते लेते कई बार तो साल निकल जाता है, ठीक है ना। तो अभी सरकार ने शुरू किया एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरू किया है कि आप एक ही जगह सारे क्लियरेंस 30 दिन के अंदर ही करा सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे जो न्यू इंडस्ट्री लगने के चांस ज़्यादा रहेंगे, नई कंपनियाँ यहाँ लग सकती हैं, ठीक है। कुछ अब स्टैटिक देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। यहाँ की काफ़ी सारी स्कीम भी हैं, ठीक है ना। जैसे IIT मुंबई ने अभी एक ऐप लॉन्च किया था, क्वारंटाइन ऐप, और यहाँ पे एक डिजिटल स्टेथोस्कोप भी लॉन्च किया था, उसका नाम था आयु सिंह, ठीक है। और 2021 का पुरुषों का नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप भी यहीं पे होने वाली है, और मिशन जीरो जो योजना है वो भी यहीं पे शुरू किया गया, जो मिशन है मिशन जीरो, और मी अन्नपूर्णा योजना भी यहीं की है। आई फ्लोस एक सिस्टम है जो कि बाढ़ की चेतावनी देता है, ये भी मुंबई के अंदर लॉन्च किया गया है। यहाँ के चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्त। यहाँ की और भी स्कीम है जैसे ई संजीवनी, OPD ऑनलाइन सर्विस, और फ्री हेल्थ सर्विस, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट है। यहाँ की एक झील है लोनर झील, कुछ दिन पहले वो न्यूज़ में थी क्योंकि इस झील का पानी वो लाल हो गया था, ठीक है। अभी एक सर्वे मर्सर ने जारी किया था, मर्सर का कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, उसके हिसाब से रहने के हिसाब से मुंबई इंडिया के अंदर सबसे महंगा शहर है। वैसे वर्ल्ड में उसकी रैंक है 60, और अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो सबसे महंगा शहर है हांगकांग। अजंता एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र के अंदर हैं, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी महाराष्ट्र के अंदर ही है। और इसका थोड़ा स्टैटिक देखते हैं, क्या क्या स्टैटिक है इसमें। चलिए यहाँ का नेशनल पार्क देखते हैं। एक है चंदौली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क और गोगामल नेशनल पार्क। और यहाँ की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, काफ़ी फेमस है और कई एग्जाम पूछी भी जा चुकी है, उसका नाम है कोयना, ठीक है ना, उसका नाम है कोयना, ठीक। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और यहाँ पे कुछ एटॉमिक पावर स्टेशन भी हैं, पहला है तारापुर है, तिरोरा थर्मल पावर स्टेशन है, और अमरावती थर्मल पावर प्लांट भी यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी यस बैंक ने युवा पे एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, इसको इसने UDMA टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है, उसकी सहायता से लॉन्च किया है। इससे क्या होगा, ये अपने कस्टमर को कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट की सुविधा प्रोवाइड कराएगा, ठीक। यस बैंक का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। यस बैंक के MD CEO हैं प्रशांत कुमार, और यस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टाइज। चलिए आगे चलते हैं। आपको पता होगा जो सचिन बंसल हैं वो फ्लिपकार्ट के को फाउंडर हैं, तो उन्होंने अपना एक नया स्टार्टअप बनाया है जिसका नाम है नवी, ठीक है। वो इसके थ्रू ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इसी के लिए उन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है नवी लैंडिंग, ठीक है। इससे क्या होगा, ये इससे लोगों को पर्सनल लोन प्रोवाइड कराएंगे। ये जो लोन प्रोसेस होगा ये कम्प्लीटली डिजिटल होगा, ठीक है ना। जो नवी का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में, और ये बना था 2018 में। चलिए आगे न्यूज़ है फीफा के बारे में। फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, मतलब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होस्ट करेंगे महिला वर्ल्ड कप 2023 वाला फीफा का, ठीक है। फीफा का हेड ऑफिस जो है वो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रेसिडेंट हैं कियानो इन्फेंटिनो, और फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। अभी लास्ट में देखते हैं जो हमारे बीच नहीं रहे, वीर चक्रवाड़ी स्क्वाड्रन लीडर
परवेज जमासदी, ठीक है, उनका निधन हो गया। इनको वीर चक्र मिला था इनकी बहादुरी के लिए। कौन सा युद्ध लड़ा था इन्होंने? इन्होंने 1971 में इंडो पाकिस्तान जो वार हुआ था उसमें इन्होंने काफ़ी अपनी वीरता दिखाई थी। ठीक है, ये था हमारा आज का कंप्लीट डिस्कशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।